हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम वीएस कोड को इंस्टॉल करना सीखेंगे एंड ऑल्सो वीएस कोड के थ्रू हम पाइथन प्रोग्राम्स को क्रिएट करके उन्हें एग्जीक्यूट करना भी सीखेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाउनलोड वीएस कोड, तो हमारे पास कुछ लिंक्स आ गई है। तो ये जो सबसे पहले वाली लिंक है जिस पर लिखा है डाउनलोड वीएस कोड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एंड मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पर क्लिक करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वीएस कोड को डाउनलोड कर लूंगा। आप यहां पर या यहां पर क्लिक करके लिनक्स सिस्टम्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैकिंटोश यूजर्स यहां पर क्लिक करके वीएस कोड मैकिंटोश के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वीएस कोड स्टार्ट हो गया है डाउनलोड होना। अभी इसमें काफ़ी देर लगने वाली है, तो ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो मैं वीडियो को अगेन रिज्यूम कर दूंगा। तो मेरा वीएस कोड डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ रहा है, तो हम आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट। अभी हमारी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पूछ रहा है वीएस कोड के लिए, तो मैं सी ही रहने देता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट कर देना है, बट यहाँ पर हम इस एंड इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन ऑप्शंस को चेक करने से हमें वीएस कोड में फाइल्स एंड फोल्डर्स को ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी जाता, एंड हम अपने फोल्डर के अंदर से भी वीएस कोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड इंस्टॉल करके तो यहाँ पर हमारा वी एस कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, अभी हम इसे डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा वी एस कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक फाइल को क्रिएट करके उसमें पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ एंड डेस्कटॉप पे जा करके हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड वो जो ऑप्शंस हमने वीएस कोड के इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्लिक किए थे उसकी वजह से ये ऑप्शन मेरे पास इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आ रहा है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, तो हमारा वीएस कोड इस पाइथन प्रोग्राम नाम के फोल्डर को ओपन कर लेगा। तो ये मेरे पास वीएस कोड ओपन होकर के आ रहा है, ये बता रहा है कि हमारा वर्जन 1.45 VS कोड का हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ एंड ये हमारा VS कोड का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन टैब है हमारे साइड बार में VS कोड के, इस पर क्लिक करते हैं एंड हम पाइथन सर्च करते थे, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये मेरे पास एक्सटेंशन ओपन होकर के आ गया है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये मेरा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस टैब पर क्लिक करता हूँ एंड अगर हमें वीएस कोड में इस फोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट करना है देन ये वाला जो बटन है इसके थ्रू हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं एंड इसके साइड में ये जो बटन है इसके थ्रू हम फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं अपने वीएस कोड में इस फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ पाइथन प्रोग्राम, या फिर हम डायरेक्ट ले लेते हैं पाइथन। आप फाइल का नाम अपने मर्जी अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, बट जो एक्सटेंशन होगा पाइथन का वो हम यूज़ करते हैं .py। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारी फाइल ओपन हो गई है पाइथन की। इसे क्लोज कर देता हूँ एक्सटेंशन वाले टैब को,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो पाइथन। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रही है, नो पाइथन इंटरप्रेटर इज सिलेक्टेड। तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, तो जो अभी हमने इंस्टॉल किया था पाइथन का सॉफ्टवेयर ये हमें वो दिखा देगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर भी सिलेक्ट हो चुका है। अभी हमारे पास पूछ कह रहा है कि लिंटर पाइलिंट इज नॉट इंस्टॉल्ड। लिंटर क्या काम करता है, हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में अगर एरर आती है तो लिंटर उसके नीचे एक रेड कलर की वेवी लाइन क्रिएट कर देता है। तो मैं उसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ, बिकॉज इससे मेरे को एरर फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इसे भी इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रहे हो या फिर ये जो पाइलिंट है इसे इंस्टॉल कर रहे हो, जो लिंटर का ऑप्शन अभी पाइथन ने हमें दिया, वीएस कोड ने हमें दिया था, उसको इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपका नेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा है। तो हमारा सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है लिंटर पाइथन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को इस पाइथन की फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली थी python.py, और ये हमने किस फोल्डर में क्रिएट करी हुई है, ये हमने पाइथन प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में हमने ये python.py फाइल क्रिएट करी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट VS कोड के थ्रू रन करा सकता हूँ इस कोड को पाइथन के, या फिर हम अपने कमांड लाइन के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैंने अपनी स्लाइड में बताया था कि हम किसी टेक्स्ट एडिटर पे पाइथन के कोड को लिखते हैं एंड कमांड लाइन के थ्रू उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अभी हम फाइल को सेव कर लेते हैं यहाँ पर, एंड सेव करने के बाद अब हम कमांड लाइन को ओपन कर लेते हैं। तो कमांड लाइन को ओपन करने के लिए ये जो एड्रेस बार आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पर टाइप करेंगे CMD एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास CMD ओपन होकर के आ जाएगा। अब इस CMD में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है पाइथन। तो पाइथन लिखने के बाद मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा python.py, एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये हेलो पाइथन यहाँ पर लिखा गया मेरे पास, जो कि मैंने प्रिंट करवाना था। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन में हेलो पाइथन लिख रखा है। अब मैं इधर लिख दूंगा हेलो पाइथन यू आर ऑसम। अब हम फाइल को सेव करते हैं, एंड अगर अब मुझे उसे अगेन रन करवाना है तो मेरे को ये python.py बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मेरे जो कीबोर्ड में अप एरो की है मैं उसे ही प्रेस कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास लिखा जाएगा। मैं अगेन एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये जो मेरे को प्रिंट करवाना था टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। ये मैंने डबल कोट्स में ही क्यों लिखा है, इसके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। तो एक तो ये प्रोसीजर था, VS कोड के थ्रू हम पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं इस तरीके से, और एक प्रोसीजर है हम डायरेक्टली रन करा सकते हैं। तो मैं अभी इसे क्लोज करता हूँ, एंड तो ये जो क्रॉस हेयर बन के आ गया, ये जो एरो का क्रॉस हेयर बन के आ जाएगा इधर, जब तब हम राइट क्लिक करेंगे अपने माउस को एंड इसे स्क्रॉल कर देंगे ऊपर के लिए। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर भी रन करवा सकता हूँ सेम उसी तरीके से जैसे मैं CLI में करवा रहा था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन और अपनी फाइल का नाम python.py। तो देखा आपने, हम VS कोड के अंदर ही अपने पाइथन प्रोग्राम्स को रन भी करवा सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे बार बार अगर मैं यहाँ पर जैसे कोई कोड चेंज करता हूँ, अब मैंने जैसे चेंज किया हेलो पाइथन यू आर ग्रेट, तो मुझे अगेन फाइल को सेव करना पड़ेगा, एंड मैं यहाँ पर पाइथन को यहाँ पर फिर से अगेन python.py लिखूंगा। मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता रहूँ और मेरा कोड एग्जीक्यूट होता रहे साथ के साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन एक्सटेंशन टैब पे जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसे डिलीट करते हैं, ARREPL, ये आ गया ARREPL फॉर पाइथन। हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मेरा ये जो एक्सटेंशन है ARIPL, ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रही है, तो मैं गॉट इट इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं अब पाइथन की इस फाइल को चूज़ करता हूँ, एंड अब अगर हमें अपने इस कोड को रन करवाना है इस एक्सटेंशन के थ्रू, तो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये जो आ रहा है आइकन पिंक कलर का, हम इसे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो CLI है वो साइड में ही ओपन होकर के आ गया, अभी इस पर कोई वार्निंग आ रही है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, बस इसे जस्ट डिलीट कर देता हूँ, एंड फिर वो करके मैं सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं जो भी अब लिखूँगा ये ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। अब मैं लिख देता हूँ, हेलो पाइथन यू आर ऑसम। तो देखिए मेरे को वो बार बार नहीं लिखना पड़ रहा पाइथन, और फिर python.py फाइल को बार बार रन नहीं करवाना पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप CLI के थ्रू डायरेक्ट रन करवाना चाहते हैं, देन आपको क्या करना है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं, एंड अगर आपको इसे CLI के थ्रू ही रन करवाना, तो यहाँ पर ये जो प्ले का बटन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से लिख दूँ इधर, हेलो पाइथन यू आर ग्रेट, एंड मैं फाइल को सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद हम फिर चाहें तो इसे रन करवा सकते हैं। ये देखिए, तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू किस तरह से अपने पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, एंड हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से अपने पाइथन के प्रोग्राम को रियल टाइम मोड में भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं वाया ARIPL एक्सटेंशन बाय VS कोड। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।